পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানে এই সময় প্রধান সমস্যা জল নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকা। শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ডেই একদিন বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। এর ফলে হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। একই রকম অবস্থা 6 নম্বর ওয়ার্ডের লোকো আমবাগান এলাকায়। বৃহস্পতিবারের বিকেলে বৃষ্টির ফলে এলাকা জলমগ্ন। শুক্রবার ওই লোকো আমবাগানের জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করতে যান রেলের আধিকারিক বৃন্দ ও ওই ওয়ার্ডের নবনিযুক্ত পুরমাতা সিমরান বাল্মিকি। এদিন পরিদর্শনের পর পুরমাতা জানান, সমস্যা সমাধানের জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে আবেদন জানিয়েছেন। प्रोग्राम नहीं है, ये जो ड्रेनेज वाला सिस्टम है पूरा लोको आम बागान पूरा डूब गया है एक दिन के बारिश में, तो उसके लिए वो ड्रेनेज लेआउट अच्छे से हो, इसलिए रेलवे की तरफ से लोग को बुलाया गया है ऑफिसर। ये पानी के जो जमा हुआ है कब तक क्लियर हो जाएगा? ये बता तो रहा है, ये पूरा रेल एरिया है तो इन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मई तक ये पूरा काम कर देंगे। आप ये लोको कॉलोनी है, लोको कॉलोनी आम बगान है, किस लिए आए हैं यहाँ पर? ये ड्रेनेज का जो वाटर है वो क्लीनिंग नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका वाटर लेआउट ठीक नहीं, जिसकी वजह से पानी भरा हुआ है, उसी को देखते हैं। यहाँ पर आके क्या आप लोग क्या मीटिंग किए हैं यहाँ? मीटिंग में ये हुआ कि आपका जो भी समस्या है उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा रेनी सीजन के पहले, और शायद इसको एक मई महीने के अंत तक कराने का कोशिश किया जाए। বর্ধমান থেকে টিঙ্কু সাউয়ের রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।